But is it somewhere in your family जहाँ से drive हुआ ये inspiration या was it just you? Family में तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि my father was in the army, तो उनको हमेशा शौक था कि because I was the eldest कि CSS पढ़ो, उसके exam दो, but उन्होंने कभी push नहीं किया, लेकिन उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मैंने OA levels में economics और business सारी चीज़ें रखी. Just to complete the fourth subject मैंने arts रख लिया कि चलो इकोनॉमिक्स बिजनेस मार्केटिंग फाइनेंस थोड़ा हैवी सब्जेक्ट, लेट्स जस्ट कीप आर्ट्स. आई थिंक दैट वाज अ हैप्पी एक्सीडेंट. वो सारे सब्जेक्ट्स छोड़ के बस आर्ट की क्लास में बैठी रहती थी मैं, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग दैट आई डिस्कवर्ड कि मेरा जेन्युइनली इसमें इंटरेस्ट है. तो यानी कि वो चौथा सब्जेक्ट जो था वो इवेंचुअली आपकी लाइफ के अंदर डिफाइंड माय करियर. जी बिल्कुल. और बाकी जो तीन थे वो नहीं आपने उसके बाद परसू किए? मतलब बिजनेस, मेरा अपना एक बिजनेस है होम डेकोर का, सो बिजनेस मैंने कैरी ऑन किया आर्ट्स के साथ, बट इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वगैरह. क्या बिजनेस में बचत वगैरह होती है आजकल? तो बिल्कुल नहीं हो रही. वजह क्या? दुकान बंद है. अबे बिजनेस है सर, बिजनेस में भी कोई गैराज होगा या कोई इस तरह की फैक्ट्री होगी, यही होगा क्या है? बताइए प्लीज. ऑनलाइन है क्या? जी जी ऑनलाइन है, ई कॉमर्स है. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती हूँ ऑफ इंटीरियर डेकोर के जो पीसेज होते हैं, मगर मैं बाकी अपनी जो आर्ट साइड की प्रैक्टिस को अब मेजरली उसी पे फोकस हो रहा है. दैट वाज जस्ट साइड थिंग दैट आई वाज डूइंग. तो आपने इतनी जल्दी शादी कर ली? आपको किसने बोला मैंने जल्दी शादी की है? अच्छा जी, आप यंग लग रही है ना, मुझे तो 16-17 साल की लग रही है. I was 25 when I got married. 25? Yeah. अच्छा, बच गया. सहरिश, आप पेंटिंग भी करती हो, फोटोग्राफी भी करती हो, क्यूरेशन भी करती हो, तो इन सारे मीडियम्स में आर्टिस्ट जो है वो अपना रोल किस तरह से शिफ्ट करता है? आई थिंक जो एक प्रैक्टिस होती है, क्यूटोरियल प्रैक्टिस होती है, वो इन इटसेल्फ बहुत डेंस और एक बहुत एकेडमिक और स्कॉलरली एक करियर चॉइस है, और उसमें आपको कॉन्स्टेंटली लोगों से मिलना, बात करना, अपॉर्चुनिटीज निकालना, इट्स अ वेरी रिसर्च बेस्ड करियर. और उसमें आपको, जिस तरह से मैं भी एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, मुझे अपना काम प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता. Even though I started off as a visual artist, that I got into writing, that I got into curatorial practices. So मैं उस चीज़ को बहुत miss करती हूँ, थोड़ा सा jealous भी होती हूँ कि जो visual artist होते हैं वो दिन रात अपने studio में काम कर रहे होते हैं, practice कर रहे होते हैं, they're in their own world. I mean, I am both, but वो थोड़ा सा आपको balance करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Visual artist होता क्या है सर? मुझे नहीं पता, मैं तो कोई game समझदार हूँ. जो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में एक आर्ट प्रैक्टिशनर की तरह काम करते हैं. विजुअल आर्टिस्ट आपका फोटोग्राफर हो सकता है, पेंटर, स्कल्प्टर हो सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकता है, एनीथिंग दैट्स गॉट टू डू विद द क्रिएटिव साइड. या ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू. प्लीज कैरी ऑन, मेरी तो इंग्लिश मोगी जी. में आपको कोई है फनून लतीफा से दिलचस्पी? देखो, हर इंसान बुनियादी तौर पर अपने अंदर एक आर्टिस्ट रख के बैठा हुआ है, छुपा के बैठा हुआ है, तो अब उसको इजहार करने की जरूरत होती है. तो यकीनन आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं समझता हूँ कि हर इंसान की इंटरेस्टिंग है, और आर्टिस्ट बजाते खुद बहुत एहसास होता है, जिस तरह से एक शायर हमारे सोसाइटी का और एक आर्टिस्ट, ये बड़े एहसास लोग होते हैं हमारे सोसाइटी को, जो चीज़ों को सोसाइटी से एब्जॉर्व करके, कोई अपने पेंटिंग में उनको प्रो लेता है, कोई अपने लफ्ज़ों में उनको प्रो लेता है. जो पेंटिंग में प्रो लेता है उसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं, और जो लफ्ज़ों में प्रो लेता है उसको हम शायर बोलते हैं. तो मुझे बताएं आपका किस में शौक, कोई है इस किस्म का? नहीं, मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा सिर्फ देखने की हद तक आर्ट को, और मेरा जो है वो शौक सिर्फ जो है वो शायरी को सुनने की हद तक है. इनका फैशन भी काफी कमाल का है, इन्होंने काफी यूनिक शलवार पहनी हुई है, तो हो सकता है इनकी भी कोई क्रिएटिव साइड हो. नहीं, ये तो बेहाल से, ये कोई इसमें भी आपने कोई गौर और फिक्र किया था, या फिर ये ट्रेडिशनल है जो कि पता है? नहीं, पता है आपको, ये बहुत पुराना बलोची ट्रेडिशन है कि आपका शलवार, चूंकि बलोच वो चाहे आप देखें फीमेल का ड्रेस हो या मेल का ड्रेस हो, उसमें इतनी गुंजाइश दी गई है कि आपका जो है वो पर्दे का मुकम्मल ख्याल हो. तो ये ट्रेडिशनल एक लिबास है और ये सदियों से चला आ रहा है. और सर, सुना में जो है, जो बलोची होते हैं वो मेहमान नवाज बड़े होते हैं, खाने दावतें शावतें तो वही होते हैं कि? सर बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, आप आ जाए. नहीं नहीं सर, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं डाइट पे हूँ, मैनू नगद ही दे देना. वेलकम बैक टू गपशप. जी रमानिया, सहरिश आपको पेट्स का बहुत शौक है, तो एट दिस पॉइंट आपके पास कितने पेट्स हैं? मेरे पास 3, आई हैव 3 डॉग्स.
इस पॉइंट पे. बट हमारी क्योंकि फैमिली में हर बंदा एक पेट लवर है, सो माय सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, एवरीबॉडी सबको मिला के आई थिंक वी हैव अबाउट 10 डॉग्स. 3 बिल्लियां भी हैं, 10 कुत्ते, 3 बिल्लियां. 10 बिल्लियां डराने वास्ते 10 कुत्ते रखे हैं. नहीं, 10 कुत्तों को डराने के लिए 3 बिल्लियां रखी हैं. बिल्लियां, अच्छा बिल्लियों से कैसे डर सकते हैं? बिल्लियां बड़ी खतरनाक चीज होती हैं. आपके पास हैं वो तो खतरनाक ही होंगी. ये तो बड़े हैवी नंबर एक है, 10 कुत्ते. आपके तो कोई घर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं करता होगा. बिल्कुल भी नहीं. हाँ नहीं, मगर स्टिल हैविंग 10 डॉग्स इन अ हाउस एक बड़ा वो. बट वी एंजॉय इट देयर लाइक. कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारा डॉग ही तुम्हें पे गया? नहीं, कभी नहीं. कुत्ता ही नहीं है? नहीं, कुत्ते में वफादारी अलग किस्म की है. आप सेफ्टी के लिए भी इनको कुछ रिकमेंड कर दें. मेरे को की होंगे कि 200-300 रुपया होंगे मेरा किने खो लेना है. मगर नहीं, सेफ्टी बड़ी जरूरी होती है. क्यों सलीम भाई, सेफ्टी भी तो बहुत एक जरूरी चीज है या नहीं है? अब बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है. मैं कहता हूँ सैन ने बहुत अच्छा मशवरा दे दिया और वो सजेस्ट जो किया उसने. मैं नोटिस कर रहा हूँ जो वो कह रही है मान रहे हैं, बड़ा आपके दिल को लग रही है सारी बातें. नहीं, वो बता रहा हूँ. अब यहाँ बैठ के जिस तरह से हम सिंध का तस्वर पेश करते हैं ना, हाँ जी, रियलिटी ऐसा नहीं है. मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंध में असल में एक जो मिसकंसेप्शन है या जो एक लोग अक्सर समझ नहीं पाते. अब एक बंदा इस्लामाबाद से बैठ के मोटरवे से जाके सक्कर से उतरता है, सक्कर से लेके वो कराची तक जब पहुंचता है तो वो फिर कहता है कि नहीं, मैंने पंजाब में जो सफर किया ना, हाँ, बड़े VIP रोड थे. हाँ, मैं वो जी मैं पेशावर से निकला था, बड़ा जबरदस्त रोड था, मैं आके सक्कर तो पहुंचा. सक्कर के बाद जो रोड बना हुआ है वो बेकार रोड बना हुआ है. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार ये रोड जो इस्लामाबाद से लेके सक्कर तक बना ये भी नेशनल हाईवे है. हाँ, बिल्कुल. और सक्कर से लेके कराची तक भी नेशनल हाईवे है. ये जो रोड बनाया है ये भी वफाक की जिम्मेदारी थी और वो रोड बनाना भी वफाक की जिम्मेदारी है. अगर नहीं बना तो सिंध का कसूर नहीं है, वो वफाक का कसूर है, नंबर एक. नंबर दूसरा ये कि उस रोड को भी बनना चाहिए. हमने सिंध में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, मिट्टी तरपारकर तक, सिंध का सबसे जो बैकवर्ड एरिया है ना वो हम तरपारकर को कहते हैं. लेकिन आप तरपारकर में जाके देखें, वैसे चौधरी साहब मैं आपको दावत देता हूँ, आपके देख के आप खुश हो जाएंगे. सर VIP किस्म की रोड बने हुए, हमने जो डिस्ट्रिक्टों को इंटरलिंक किया है वो हमारे रोड आप सफर करें वो जब जो सिंध की जिम्मेदारी थी. बेहतरीन रोड नेटवर्क है. मैं कहता हूँ दावे से इस वक्त तीनों सूबों से बेहतर रोड नेटवर्क इंटरनल जो मौजूद है विद इन सिटी वो सिंध में मौजूद है. आप तरको ला के देखें सर, सिंध ने क्या काम किया, क्या तारीखी काम किया है. शहीद मुतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन था. आपको बड़ी हैरानी होगी, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, इनको मैं बता दूं कि एवी ट्रक्स जो कोयल लोड करके चलाते हैं उनको तरपार कर की लेडीज चला रही हैं और वहाँ से बिजली पैदा करके हम नेशनल ग्रिड को बिजली दे रहे हैं. पावर सेक्टर में सिंध ने सबसे ज़्यादा काम किया, रोड नेटवर्क में सिंध ने सबसे ज़्यादा काम किया. सिंध ने इस सूबे में सबसे ज़्यादा, जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुरादली शाह साहब ने बहुत अच्छी तरीके से और बड़ा कैलकुलेटेड CM है और हर चीज़ को प्लान को लेके चलता है. जिस तरह से वो, मैं कह रहा हूँ, सिंध को अंडर द गाइडेंस ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेके मुरादली शाह साहब चल रहे हैं ना, बड़ा जबरदस्त अमेजिंग. और हर सेक्टर में काम हो रहा है, जबरदस्त काम हुआ. अच्छा, मगर बात मुझे दिल को लगी आपकी. मतलब मजे की बात यह कि शहर ने सिंध के बारे में एक भी बात नहीं की मगर आपको सारी दिल को लग रही है. सैरिश बता रही थी अपने पेट्स के बारे में, वो बता रही थी अपनी फोटोग्राफी के बारे में और उसके बारे में, वो आपको सारी बातें अच्छी लग रही हैं. फोटोग्राफी किसको अच्छा नहीं लगता सर? तो आपको है कोई शौक तस्वीर खिंचवाने का? नहीं, तस्वीर खिंचवाने का नहीं, मैं आर्ट की बात करता हूँ. जो आप नेचर को आर्ट करें मुझे उसका, मैं उसकी बात. अगर आपको कहें कि तस्वीर खींच दे इनकी, वुड यू बी एबल टू डू दैट? ऑफ कोर्स. और कोई जगह आपके जहन में होगी कि इनके साथ क्या हल्के में इनके जाके मलीर की तरफ खींचे? होते थर थर ही. इंटरनेशनल ग्रेड को बिजली दिया है वहां पे, अगर खड़े होकर हम तस्वीर देखिए आपको सैरेश कितनी जबरदस्त, उन्होंने पूरा एक एम्बियंस बना के दिया है कि तरपारकर के अंदर वो कोल प्लांट जो है वहां पे लगे हुए हैं, उसके दरमियान में बिल्कुल टॉप पे आप. और वहां आप देखें सर, वहां आप देखें. नहीं, मैंने सैरेश देखी. नहीं, आप भी आएंगे, आप आएंगे. देखिए सलीम भाई, तो बात है, मैं
उनके हक में डाका नहीं मार सकता, तस्वीर उनकी है, उन्होंने बड़ा जूम लेंस लगाया होगा और बिल्कुल वो जो बीच में करके आप खड़े होंगे और आपने यूं हाथ खोले होंगे, हाय हाय क्या पोज होगा वैसे वो। मैंने ट्रिप किया था पंजाब सिंध बलूचिस्तान का, एंड सड़कों के और नेटवर्क के इतने इश्यूज नहीं थे, ज्यादा इश्यूज थे रहने की जगहों के एंड सेफ्टी के। तो जितने भी लोग जाते हैं वो अच्छी बात करते हैं क्योंकि बलूचिस्तान काफी डाइवर्स है। इन्होंने भी कितनी अच्छी बात की, ये तमाम खवातीन की जो बातें हैं वो अच्छी आज आपके लिए हो रही है ना, ऐसा कुछ मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। नहीं नहीं आप गलत नहीं। पासे भाई मेरा दुपट्टा भी फड़ो।